hello student how are you i hope you all are happy at your home my dear student in previous video we have taught about the governor governor's functions and powers terms and qualifications today we are going to discuss about the chief minister so listen me carefully let's get started चीफ मिनिस्टर द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट इज एक्चुअली रन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट प्रशासन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन द स्टेट स्टेट के अंदर इज एक्चुअली एक्चुअली यानी वास्तव में रियली रन बाय द चीफ मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही चलाया जाता है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर की मंत्री परिषद है उसके द्वारा आफ्टर द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली द गवर्नर इन्वाइट द लीडर ऑफ द पार्टी की जब इलेक्शन हो जाते हैं सामान्य चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में असेंबली होती है और उसमें जो गवर्नर है वो इनवाइट्स करता है आस्क ही हियर इज़ यूज आस्क वो पूछता है द लीडर ऑफ द पार्टी अपनी पार्टी के लीडर से पूछता है दैट हैज़ वोन द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द हाउस टू फॉर्म द गवर्नमेंट कि किस सरकार को जो भी हाउस में जिसकी मेजोरिटी होगी जिसने बहुमत दल ज़्यादा हासिल किया है जिसकी सीट ज़्यादा आई है तो उसी सरकार को बनाने के लिए वो अपने लीडर से पूछता है द लीडर ऑफ द पार्टी और जो पार्टी का लीडर होता है बिकम द चीफ मिनिस्टर और वही चीफ मिनिस्टर बनता है एंड हैज़ ए टर्म ऑफ फाइव ईयर्स और ये कितने साल के लिए पाँच साल के लिए बनता है Now powers and functions of the chief चीफ मिनिस्टर सो yani ready a list of मिनिस्टर ya जो cabinet मिनिस्टर होता है वो फीमेल या मेल की एक लिस्ट बनाता है द गवर्नर देन appoints द मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द लिस्ट और उसी लिस्ट के अनुसार जो गवर्नर होता है वो मिनिस्टर्स को appoints करता है मतलब टू चॉइस समबडी फॉर ए पोजिशन उस स्थिति के लिए अपॉइंट करता है नाउ द चीफ मिनिस्टर्स कैन रिमूव एनी मिनिस्टर एट एनी टाइम और जो चीफ मिनिस्टर्स होता है रिमूव यानी टेक आउट कि अपनी पार्टी से वो किसी भी समय किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर कर सकता है हटा सकता है चीफ मिनिस्टर आल्सो डिसाइड्स निश्चय करना निर्णय लेना कि जो चीफ मिनिस्टर है वो ये भी निर्णय ले सकता है कि द एजेंडा फॉर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि जो मंत्री परिषद की जो मीटिंग्स के लिए भी वो लिस्टिंग करता है एजेंडा मीन्स लि, लिस्टिंग करता है निर्णय लेता है और प्रेसाइड्स ओवर इट्स मीटिंग प्रेसाइड टेक द चेयर और कौन चेयर लेगा वो निश्चित करता है ही या शी ऑल्सो कोर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ही या शी कि कौन जो भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं अपने इलेक्शन में वो फीमेल या मेल तो वो कोऑर्डिनेट करता है वर्क का कि जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं सेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के राज्य गवर्नमेंट के जो विभाग हैं कि किस किस मिनिस्टर को वो कौन कौन से विभाग देगा तो ये अपना चीफ मिनिस्टर है वो ही कोरिलेट कोऑर्डिनेट मीन्स कोरिलेट करना अध्यक्षता करता है कि कौन किस किस मिनिस्टर को वो चुनेगा now it is the responsibility of the chief minister to maintain good relations with the central government or it is the responsibility एक chief minister का ये उत्तरदायित्व तो भी है कि to maintain maintaining keep going कि वो अच्छी तरह good relation with the central government जो अपनी केंद्रीय सरकार है उसके साथ उसके संबंध को भी बनाए रखे as the हैड ऑफ़ द लेजिस्लेचर कि जैसा कि लेजिस्लेचर के हेड के रूप में एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होता है वह एक स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो लेजिस्लेचर है उस दोनों का ही हैड होता है द चीफ मिनिस्टर्स होल्ड द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और स्टेट की जितनी भी जो अपने स्टेट की सरकार है उसकी जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो उसको होल्ड करता है क्लेस्प करता है कि बनाए रखता है इफ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस यानी इनसिक्योरनेस इज़ पास्ड कि अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव कोई भी वोट अविश्वास प्रस्ताव के रूप में सरकार के अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द असेंबली की असेंबली के अंदर सरकार के विरुद्ध कोई भी अगर अविश्वास का प्रस्ताव करता है द एंटायर मीटिंग हैज़ टू रिजाइन तो जो एंटायर यानी होल जो मिनिस्ट्री है वो रिजाइन कर देती है लीव कर देती है छोड़ देती है अपने उसकी अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता है नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द सम टॉपिक्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हाउ टू वर्क हाउ टू फॉर्म ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द टीम ऑफ मिनिस्टर

सो लेट सी वट विल इट्स इट्स मेंसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ में लेजिस्टिव असेंबली की इट्स मेंबर की इसकी जो संख्या होती है मस्ट नॉट बी मोर देन वो वो फिफ्टीन परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स की जो मेम्बर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के उसके मेंबर्स से फिफ्टीन परसेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए सेकेंड इज ए मिनिस्टर शुड ऑल्सो बी मेम्बर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कि उस लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मिनिस्टर भी होना चाहिए बिकम वन विद इन मंथ्स ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर्स तो वो क्या करता है जो बनाता है विद इन कब सिक्स मंथ के अंदर जो अपॉइंट करता है जो जैसे कि मिनिस्टर्स होते हैं उनको वो अपॉइंट करता है इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली कि जो मंत्री परिषद है कॉमनली कि वो उसको सामूहिक रूप से उसका प्रतिनिधित्व करते हैं एंड इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर देयर एक्शन और इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार होते हैं ये लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति फॉर देयर एक्शन जो भी वो कार्य करेंगे वो इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाते हैं देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल की जो अपना राज्य स्तरीय राज्य स्तरीय है उसके अंदर तीन तरह की कैटेगरीज होती क्लासीफिकेशन किया जाता है वन इज कैबिनेट मिनिस्टर सेकेंड इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड थर्ड इज डिप्टी मिनिस्टर सो माई डियर स्टूडेंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द्री कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टिल नाउ हैव ए नाइस डे